राहुल गांधी जी जिन्होंने पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया था कि क्यों अदानी को ही सारे काम दिए जा रहे हैं, क्या इसका मकसद है? मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं। आपने विदेश यात्रा में भी उनको अपने साथ ले गया, ना प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया, ना उसके ऊपर कोई चर्चा हुई, और हमने इस बात को लेकर आंदोलन भी किया। षड्यंत्र से राहुल गांधी जी के दोषी करार देकर और 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी, वो लोकतंत्र की हत्या है। आखिर आप क्यों सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी गए जब संसद सदस्य समाप्त होने वाला था, पहले क्यों नहीं गए? और लेके भी किसको गए? अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ में लेकर गए, सांसदों को साथ में लेकर गए, जबकि अपील करने के लिए व्यक्ति को भी नहीं जाना होता जो दोषी होता है, केवल उसका वकील जाके अपील दायर कर सकता है। क्या जनता से जुड़ी हुई बातों को सदन में उठाना ज्यादा जरूरी था कि एक व्यक्ति का अहंकार और पिछड़ों का जिसने अपमान किया हो उसकी बात को रखना? 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था, उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए आज उनको कष्ट हो रहा है। और दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी और 30 दिन का टाइम दिया गया है कि आप अपील कर लो। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? निम्मुंदे ओंदु सण्ण प्रश्ने, एल्ल कळ्ळर हेसरु कूड मोदी मोदी। राहुल गांधी को सजा व उनकी संसद सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर 15 से फिर सत्याग्रह छेड़ेगी हिमाचल कांग्रेस। पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह अपने संसदीय क्षेत्र मंडी से करेगी जय भारत सत्याग्रह का शुभारंभ। राहुल गांधी की जमानत याचिका के दौरान सूरत कोर्ट में मौजूद रहने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी उठा चुके हैं सजा व सदस्यता रद्द होने पर सवाल। अलग भाजपा नेताओं के अनुसार 2 साल की सजा होने पर कानून के मुताबिक तय था राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना। सजा होने पर इससे पहले भी जा चुकी है दर्जन भर सांसदों की सदस्यता। राहुल गांधी को 2 साल की सजा होने व उनकी संसद की सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर आगामी 15 से 20 अप्रैल तक एक बार फिर हिमाचल में सत्तासीन कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह अपने संसदीय क्षेत्र मंडी से जय भारत सत्याग्रह का शुभारंभ करेगी और इसके अलावा विभिन्न जिलों में कुछ मंत्री भी इस प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अडानी को देश विदेश में काम मिलने का मुद्दा उठाए जाने के चलते राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार डेमोक्रेसी का गला घोटने की कोशिश कर रही है। जानकारी के अनुसार सूरत के कोर्ट से दो साल की सजा होने के बाद 23 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी और पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित देश के कई आला कांग्रेस नेता तब से लगातार कोर्ट के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इसके लिए सीधे तौर पर अदालत की वजह नेता केंद्र सरकार को कोस रहे हैं। 3 अप्रैल को राहुल गांधी द्वारा सूरत के कोर्ट में जमानत याचिका दायर किए जाने के दौरान मौजूद रहे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी इस मामले पर सवाल उठा चुके हैं और पिछले महीने भी प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे पर हर जिला में प्रदर्शन किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई आला भाजपा नेता भी इस मामले में लगातार मीडिया को बयान जारी कर रहे हैं और भाजपा के मुताबिक 2 साल की सजा व जेल होने पर इससे पहले भी दर्जन भर सांसदों की सदस्यता कानूनन रद्द हो चुकी है। इस मामले में भाजपा नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए बिल को फाड़े जाने का जिक्र भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में अपने एक भाषण में मोदी जाति अथवा सरनेम वाले लोगों को चोर कहे जाने के मानहानि के मामले में अदालत ने वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है और इस केस में अब अगली सुनवाई जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल को होनी है। बहरहाल गत माह हिमाचल के सभी जिलों में राहुल गांधी को सजा होने व उनकी सदस्यता रद्द होने के खिलाफ सत्याग्रह अथवा प्रदर्शन कर चुकी प्रदेश कांग्रेस द्वारा 15 से 20 अप्रैल तक इस मुद्दे पर एक बार फिर जय भारत सत्याग्रह छेड़ा जाएगा। AICC के डायरेक्शन के मुताबिक ये भारत सत्याग्रह आग्रह हम लोग ने यहाँ पर 15 से 20 तारीख तक शुरुआत करने की, आज जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रधान लोग हैं उनसे हमने इस बात की चर्चा की और उनको बताया कि हर जिला में ये कार्यक्रम किया जाएगा और अब उन्होंने डेट निश्चित करनी और हमारे सीनियर लोग जाकर उस मीटिंग को वहाँ पर एड्रेस करेंगे। इस बात का जो निचोड़ है वो ये है कि आज भारतवर्ष में
ऐसा माहौल बन गया है कि आप विपक्ष को ना अपनी बात रखने दे रहे, ना विपक्ष की बात सुनना चाहते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में हो। हमने बहुत कोशिश की, खास करके राहुल गांधी जी जिन्होंने पार्लियामेंट में ये प्रश्न उठाया था कि क्यों अदानी को ही सारे काम दिए जा रहे हैं, क्या इसका मकसद है, मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूँ। आपने विदेश यात्रा में भी उनको अपने साथ ले गया और जो भी भारतवर्ष के मुख्य काम है वो भी आप उनको दिए जा रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने प्रश्न किया था और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा था, ना प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया, ना उसके ऊपर कोई चर्चा हुई। और हमने इस बात को लेकर आंदोलन भी किया और जो भी पार्टीज़, कम से कम 18 पार्टी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, वो भी इस बात से सहमत है कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी की आवाज़ को इस तरीके से, एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से हिज वॉट एवर ही फील्स लाइक सेइंग, आप उस आवाज़ को दबाने के लिए जो भरसक प्रयास कर रहे हैं उसके लिए सभी 18 पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रधान खड़गे जी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उस आंदोलन में भाग भी लिया। और आप जानते हैं कि जब ये आंदोलन हमारा चल रहा था तो उन्होंने सभी को बसों में बैठाकर दूर तक 15-15, 20-20 किलोमीटर ले जाकर जेल में उनको 5-6 घंटे तक उनको अंदर रखा और बाद में छोड़ दिया गया। तो ये जो एक प्रचलन मोदी जी के सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसके विरोध में लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उसी के संदर्भ में अब हम इस कार्यक्रम को हर जिला में भी करने जा रहे हैं। इसीलिए हमने सारे जिला के प्रधानों को बुलाया था, उनको डायरेक्शन दी गई और हम इसको 15 से 20 तारीख तक हर जिले में इस कार्यक्रम को करेंगे। शुरुआत जिला स्तर पर ही सभी जगह पर शुरुआत करेंगे एक साथ? नहीं, एक साथ तो नहीं किया जा सकता, जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पर मैं जाऊंगी, जैसे मंडी में से करूंगी, अगर कुल्लू नज़दीक पड़ा तो कुल्लू भी ज्वाइन कर सकती हूँ। और अन्य जिलों में हमारे सीनियर लोग, चाहे वो मंत्रीगण आए चाहे सीनियर पार्टी के जो लीडर्स होंगे, उनको वहाँ पर बुलाया जाएगा ताकि वो लोगों को वहाँ पर एड्रेस भी करें और अपनी बात मजबूती के साथ रखें। आखिर आप क्यों सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी गए जब संसद सत्र समाप्त होने वाला था, पहले क्यों नहीं गए? और लेके भी किसको गए? अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को साथ में लेकर गए, सांसदों को साथ में लेकर गए, जबकि अपील करने के लिए व्यक्ति को भी नहीं जाना होता जो दोषी होता है, केवल उसका वकील जाके अपील दायर कर सकता है। और देश का मीडिया भी सुबह से लेकर दोपहर तक दिखा रहा था कि पहुंचने वाले गए, अभी अंदर गए नहीं और 2 मिनट के बाद बाहर आ गए। किसका समय बर्बाद हुआ, किसका पैसा बर्बाद हुआ? क्या जनता से जुड़ी हुई बातों को सदन में उठाना ज्यादा जरूरी था कि एक व्यक्ति का अहंकार और पिछड़ों का जिसने अपमान किया हो उसकी बात तो रखना।